27 मार्च को अयोध्या जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। सीधे बड़ी खबर आपको बता रहे, ट्रेन से दिल्ली से अयोध्या तक सफर करेंगी प्रियंका गांधी। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और हनुमानगढ़ी से कुमारगंज तक रोड शो भी प्रियंका गांधी की तरफ से किया जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर निर्मल खत्री के समर्थन में रोड शो जो है उनकी तरफ से किया जाएगा। सीधे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन प्रियंका गांधी की तरफ से किया जाएगा और हनुमानगंज से कुमाऊगंज तक जो है वो रोड शो करेंगे और 27 मार्च को अयोध्या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जाएंगे। और जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता विक्रम राठौर हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, बहुत महत्वपूर्ण इसे रोड शो भी कहा जा सकता है अगर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जाती है तो, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस के ऊपर राम मंदिर को लेकर तो आरोप लगा ही रही थी। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर उनसे बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सीधे बड़ी खबर आपको बता रहे, 27 मार्च को अयोध्या जब प्रियंका गांधी जाएंगी, बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा प्रियंका गांधी का माना जाएगा। हालांकि हमने देखा उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को कवर करने की धीरे धीरे कोशिश जो है प्रियंका गांधी कर रही है और जनता के बीच में पैट बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की जो छवि खराब हुई थी पिछले कुछ सालों में, उसे भी मजबूत करने की कोशिश प्रियंका गांधी लगातार कर रही हैं। फिलहाल जो अभी तक सूचना है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी 27 तारीख को फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर उनके आने की पूरी संभावना है और वो यात्रा लखनऊ की तरफ से ही शुरू होगी। इसका मतलब जो दरियाबाद विधानसभा का अंश इसमें पड़ता है नेशनल हाईवे पे, उसके बाद जो बीकापुर विधानसभा का ब्लॉक सोहावल का हिस्सा पड़ता है, ब्लॉक मसौदा का हिस्सा पड़ता है, उस पूरे इसी नेशनल हाईवे पर लोगों से मिलती जुलती हुई वो शहर में शहादतगंज की तरफ से आएंगी और उसके बाद फिर वो चौक होते हुए उन्हें अयोध्या जाना है और फिर अयोध्या के बाद उन्हें फिर उसी दिन ही चूंकि अमेठी जाना है तो कुमारगंज तक का जो क्षेत्र है रायबरेली रोड का, उसमें भी उन्हें लोगों से मिलते जुलते अमेठी उसी दिन सेम डे चले जाना है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता विक्रम राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव से पहले राम जन्मभूमि जा रही है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, पूरी तरीके से पूर्वांचल को साधने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव जिस तरीके से कोई कूर कसर नहीं छोड़ रही है, अभी जिस तरीके से प्रयागराज से वाराणसी तक की पूरा दौरा किया प्रियंका गांधी ने और उसके बाद अब दिल्ली से अयोध्या तक ट्रेन से आना, कैफियत एक्सप्रेस से आ रही है, जिसमें जिसके बाद वो भी हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद लगभग 32 पॉइंट्स ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा लेंगी प्रियंका गांधी, जिसमें कि 19 सभाएं ऐसी हैं जो शहर में होनी है, 13 सभाएं ऐसी हैं जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में होनी है। तो पूरी तरीके से एक संदेश, एक कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस जिस तरीके से लगातार सरकार को घेर रही है, चाहे वो राफेल मुद्दे को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, किसान को लेकर हो, जो नौकरियों देने के लिए की बात हुई थी उसको लेकर हुआ, तो उन सभी संदेश को देने का काम पूरी तरीके से प्रियंका गांधी कर रहे हैं। आपने ध्यान भी दिया होगा कि इस बार लगातार जिस तरीके से ट्विटर वॉर चल रही है, ट्विटर पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी एक्टिव है, लगातार आशा बहुओं की बातें कर रही हैं, लगातार जिस तरीके से आंगनवाड़ी के लोगों की जिस तरीके से बात कर रही हैं, गन्ना किसानों की ट्विटर पर जिस तरीके से बात कर रही हैं और योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से घेरने का काम प्रियंका गांधी कर रही हैं, तो उसी क्रम में पूरा यही संदेश देने के लिए कि कांग्रेस लगातार किसानों के लिए काम कर रही है, जो दबे हुए हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात की जाए, चाहे वो आशा बहुओं की बात की जाए, उन सभी के लिए लगातार कांग्रेस कर रही है, संदेश देने का काम प्रियंका गांधी कर रही है और उसी संदेश को जमीनी स्तर पर पूरा देने के लिए प्रियंका गांधी एक बार फिर से अयोध्या के दौरे पर होंगी। 10 बजे के लगभग प्रियंका गांधी अयोध्या पहुंच जाएंगी और अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने के बाद अयोध्या में पूरी तरीके से जनसभाओं में और नुक्कड़ सभाओं में खासकर प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी। एक बड़ा संदेश देने का काम है प्रियंका गांधी का, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल को पूरी तरीके से प्रियंका गांधी बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है चुनाव से पहले, लग रहा है कि कांग्रेस के लिए जो है मजबूती जरूर लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रियंका गांधी 27 मार्च को फैजाबाद से। और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, ये जनसभा जो है फैजाबाद में ही की जा रही है, शुरुआत वहीं से होगी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, कार्यक्रम क्या कुछ?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रेल की यात्रा करके प्रियंका गांधी एकत्र पहुंची, उसके बाद फिर अयोध्या पहुंचने के बाद वो शहर में लगभग 19 पॉइंटों पे लोगों से मिलेंगी और वहाँ बातचीत करेंगी, इसके बाद कुमारगंज रायबरेली रोड होते हुए वो अमेठी जाएंगी। अगर बात की जाएगा क्योंकि क्या प्रियंका गांधी के साथ और भी कोई बड़ा चेहरा जो है वो सामने आ सकता है इस रोड शो के दौरान? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ पे अयोध्या लोकसभा सीट से निर्मल खत्री जी लड़ रहे हैं और अभी ये नहीं हुआ है क्योंकि उम्मीदें की जा रही कोई ना कोई बड़ा चेहरा या स्टार प्रचारक के रूप में प्रियंका गांधी के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कौन होगा। आकाश एक बार पूरा कार्यक्रम बताइए कि आखिर 27 मार्च को जिस वक्त प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, सबसे पहले कहां से इनकी इनका रोड शो की शुरुआत होगी, उसके बाद कहां जा रहा है, जैसे कि हमारे संवाददाता बता भी रहे थे विक्रम कि सभाएं बीच में बहुत ज्यादा आयोजित की गई हैं, उसका कार्यक्रम क्या कुछ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा कि लगभग 32 सभाएं आयोजित की गई हैं शहर के अंदर और शहर से गुजरते हुए अमेठी भी जाना है इनको और समय भी कम है, तो इसके सदर ये अयोध्या होते हुए फैजाबाद शहर में लगभग 19 जगहों पे सभाएं के रूप में लोगों से मिलेंगी जुलेंगी, उसके बाद लगभग और जो कुछ यात्राएं हैं गाँव की तरफ है उधर से रोड से होते हुए अमेठी गुजरना है इनको, इसलिए लगभग अगर माना जाए तो अयोध्या में लगभग 32 सभाएं इनकी होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।